1000 डिग्री सेल्सियस पर खौलता वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी, 400 मील की रफ्तार से बहता गर्म लावा और सेल्फी। सही सुना आपने, लोग अब बीच, फॉरेस्ट या माउंटेन ट्रिप पर नहीं जा रहे हैं बल्कि वॉल्केनो देखने जा रहे हैं। जानना जरूरी है क्या है ये अजब गजब वॉल्केनो टूरिज्म। तारीख 27 नवंबर 2022, अमेरिका के हवाई आइलैंड पर अचानक 200 फीट ऊंचा गर्म लावा उछलता दिखा। ये ऐतिहासिक नज़ारा था 38 साल से शांत पड़े दुनिया के सबसे बड़े माउना लाओ ज्वालामुखी का। ज्वालामुखी के एक्टिव होते ही गर्म लावा, धुआं और जहरीली गैस बाहर आने लगी। जहां सरकार और स्थानीय लोगों का फोकस सेफ्टी पर था, वहीं कुछ लोगों का एडवेंचर पर। ज्वालामुखी फटते ही इसे देखने वालों की भीड़ भी बढ़ने लगी। शहर के सारे होटल फुल हो गए और सरकार को ट्रैफिक मैनेज करने के लिए नेशनल गार्ड लगाने पड़े। ऐसा ही कुछ मार्च 2021 में आइसलैंड में हुआ था, जहां एक तरफ कोरोना महामारी के चलते लोग घरों में थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग आइसलैंड का ज्वालामुखी देख रहे थे। नाम फग्रादाली स्विया ज्वालामुखी। आइसलैंड में 6000 सालों से शांत पड़े इस ज्वालामुखी से जब गर्म लावा निकला तो सब भूलकर 5000 से ज्यादा लोग इसे देखने पहुंचे। किसी ने सेल्फी ली तो कोई वीडियो बनाता दिखा। ड्रोन शॉट और हेलीकॉप्टर व्यू भी खूब वायरल हुए। ये टूरिज्म जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी। जहरीली गैस और गर्म लावे के बीच जान का खतरा हमेशा बना रहता है। पिछले एक दशक में ज्वालामुखी देखने गए 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिसंबर 2019 में न्यूजीलैंड में जब वकारी वॉल्केनो फटा तो 22 टूरिस्ट इसकी चपेट में आ गए। लेकिन इसके बाद भी लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसके पीछे दो वजह है। पहली, ऑफ लिमिट डेस्टिनेशन। लोग अब घूमने के लिए ऐसी जगह चुन रहे हैं जहां कभी कोई ना गया हो या कम लोग जाते हैं। दूसरी, लास्ट चांस विजिट। क्लाइमेट चेंज के चलते दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है। जो आज से 20 साल पहले था वो अब नहीं है, जो आज है शायद अगले 20 साल में नहीं होगा। जैसे बर्फ के आइलैंड, पुराने पहाड़ और पोलर बियर। एक्शन और एडवेंचर के बीच लोग जान हथेली पर रखकर भी जोखिम उठाने को तैयार हैं। वॉल्केनो टूरिज्म इसी का हिस्सा है। आज जाना जरूरी है, मैं इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही वीडियो के साथ। जुड़े रहिए दैनिक भास्कर आप पर, क्योंकि सच करीब से दिखता है।